Southern Punjab, if they win by a margin, we'll tell you the exact margin later on in the day, they can also qualify. Zeeshan Malik is back. Ali Imran is back into the opening slot. Catch it down. Has he taken it? Yes, it's a good fielding side. And they made this opportunity for themselves, diving forward. I think it's Fakhar Zaman, if I'm not wrong. It's not the first time that Fakhar has pulled off a brilliant catch. Backward point zone. And that's the first wicket again. Not really into the shot. A bit of bottom hand. Surprises him with the bounce. Brilliant catch. He will never drop these. He's a good fielder out there. But yeah, that's what Wahab Riaz can do. He can surprise you with different lengths and the pace he has. Wasn't able to get out of the way, Ali Imran, and well, KP strikes. 30 for one now. Yep, Ali Imran goes for 8, and it is 30 for one. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नई गेंद के साथ और इसे पुश किया और एक आसान सा कैच दे बैठे और इस तरह एक और कामयाबी मिली जीशान आउट हुए दोनों ओपनर्स यके बाद दिगरे वापस पवेलियन को चले और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं यहाँ केपी के खिलाड़ियों के और इसको ओवर द टॉप खेलने की कोशिश पर लीडिंग एज लग गया इनका पूरा मिडिल नहीं हो पाया जैसे इसको मिडिल करना चाह रहे थे थोड़ा सा एज ऑफ द बैट से शॉट लगा और ये एक और विकेट नॉर्दर्न की गिर गई जीशान मलिक अच्छे लग रहे थे उन्होंने 21 रन बनाए 30 पर 2 अब जब मैच खेलने आए तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस बार उठता हुआ शॉट और कैच आउट हो गए आफरीदी ने बाउंड्री लाइन पर इस गेंद को जा लिया आसिफ आफरीदी अच्छे आउटफील्डर हैं आउटर आई था गेंद फ्लाई करती हुई गई हैदर के बल्ले से और वहाब रियाज की ये पहली कामयाबी दूसरी कामयाबी राधा शॉट को कंट्रोल नहीं कर सके हैदर अली यहाँ पर आज हम देख रहे हैं पिच पे लीडिंग एज का सामना करना पड़ रहा है बैटर्स को और वहाब बहुत ही टाइट लाइंस पे इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं इसी के साथ विकेट ली वहाब रियाज ने हैदर अली की जो कि 15 बॉलों पे 21 रन पोजीशन आते हैं इस बार मिड विकेट की तरफ खेला वहां पर शुएब मलिक तैयार हुए और इत्मीनान के साथ हमने कैच मुकम्मल किया छक्का लगाना चाहते थे इस ख्याल से कि इफ्तिखार अहमद को पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा छक्के लगा दिए थे दानिश अजीज ने लेकिन रोहेल नज़ीर दबाव में ऐसा नहीं कर पाए आज की ये बैटिंग टॉस जीतने के बाद रास नहीं आ रही नॉर्दर्न की टीम को पेस जज नहीं कर पा रहे उनके बैट्समैन और ये एक इजी कैच हुए मलिक के लिए बाउंड्री लाइन पर और वो 200 रन के टारगेट के बारे में सोच रहे थे पर अभी 47 फॉर 4 बहुत काम करना पड़ेगा यहाँ से 200 पर जाने के लिए रोहेल नज़ीर आउट 6 रन बना के 47 पर 4 इस बार हवा में गेंद को खेला फील्डर आए दौड़ते हुए और यहां पर इफ्तिखार अहमद ने गेंद को शुएब मलिक की तरफ फेंका था और ये नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा गया दरअसल ये जुनेद खान थे जिन्होंने कैच मुकम्मल किया इफ्तिखार अहमद ने बाहर जाती हुई गेंद को अंदर फेंका वो खुद बाहर चले गए बड़ी हिट के लिए जा रहे थे लेकिन शानदार फील्डिंग इस तरह की फील्डिंग हमें T20 में देखने को मिलती है अच्छा टाइम किया जंप और जैसे ही उन्हें लगा कि तवाजन बिगड़ रहा है बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं उछाल दिया और उतनी ही अच्छी एफर्ट जुनेद खान की ये कैच जुनेद खान ने लिया वो इसी तवक्को में दौड़ते हुए आए थे कि शायद गेंद को पकड़ नहीं पाए और जिस मकसद के लिए वहाँ
आ रहे थे वो उनने पूरा किया। उमर अमीन खतरे बदकिस्मत रहे, गए वापस पवेलियन को 21 रन बनाकर 72 पर 4। और यहाँ खेलने के लिए गए आसिफ अली, कॉट बिहाइंड हो गए। वहाब रियाज ने तीनों विकटें आज जो हैं वो स्टंप्स के पीछे कैच आउट करा के हासिल की हैं। शानदार बॉलिंग वहाब की, और इस बार गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की जानब, लेकिन कोई रूम नहीं था, शॉट सिलेक्शन सही नहीं रही। और केपी इस वक्त डोमिनेट कर रहा है इस मैच को। या स्लो डिलीवरी पर वहाब रियाज ने चलता किया आसिफ अली को, एक और खतरा टला केपी के लिए 99 पर 6। Should be out. Yes, he is. Scored 36. Trying to clear mid off. Fakhar Zaman once again in the picture with a catch. That gives Junaid Khan his first wicket. Yeah, kind of slightly went wider outside off stump. The length was still short. Went after it and safely taken by Fakhar Zaman. Kept his eyes under. Clean take in the end. Yeah, he is happy finally after being hit for 18. Imad Wasim walks back. He scored 36 valuable runs as the captain. The total right now is 134 after 19. So Elton Weir now goes up, but he might be caught. It's a very good fielding unit, this KP. This time, this is Iftikhar who takes the catch just outside the 30-yard circle and dismisses. So Elton Weir, Wahab Riaz grabs another one. Yeah, just brilliant from Wahab Riaz. He's got the pace, kind of banged it in into the wicket, and another clean take. Been a brilliant performance by KP overall. Wahab Riaz, you know, what a terrific year he's having, you know, in this particular format. And this time he chops it onto the stumps, slightly short, not as much pace, but he enjoyed the two boundaries, I tell you that much. A bit of banter in the end between the two fast bowlers as well. And it's 5 wickets for Wahab Riaz. We've spoken about how good he is in this format. He's got everything. Got the pace, got the slow one. He's got a well-directed bouncer as well. And he's really maintained his fitness. It's also his third fifer in T20s. Deep in the crease, trying to hit another one. And plays it onto the stumps, but 5 wicket haul for Wahab Riaz. He's made an announcement, he's back. And they're 9 down, Northern, for 143.